आपका, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के कुराड़िया टोल नाके के पास एक बेकाबू ट्रेलर ने शादी में शामिल को चपेट में ले लिया है और कई वाहनों को रौंद दिया है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिन्हें देवली चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है। शादी में शामिल लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी खबर, भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के कुराड़िया टोल नाके के पास यह हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रेलर ने शादी में शामिल लोगों को अपनी चपेट में लिया है और कई वाहनों को भी इस दौरान रौंद दिया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है, वहीं कई लोग घायल हैं, जिन्हें देवरी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। तस्वीर आपके सामने है, शाम के वक्त का हादसा है और बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने गए लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उसी दौरान इस वाहन ने उनको चपेट में लिया। कई वाहनों को इसके बाद टक्कर मारी है, 4 की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग इंजर्ड हैं, जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस बुलाकर रेस्क्यू करके, तस्वीरें आपके सामने। भीलवाड़ा में यह बड़ा हादसा, कोटड़ी में भीषण सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। शाम का वक्त था जिस दौरान यह हादसा हुआ और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं और बताया जा रहा है कि विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। भीलवाड़ा की कोटली में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिलशाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिलशाद, अभी की अपडेट क्या है? 4 की मौत हो गई थी, कितने लोग घायल हैं और पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, कुराड़िया टोल नाके के निकट एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जो है मौत का कहर बरपाया है। बारात बिनोरी निकल रही थी, उस दौरान उसने कई वाहनों को चपेट में लेते हुए बिनोरी को चपेट में लिया और बारातियों को कुचल दिया। इसकी वजह से मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालात यह है कि उनके छावों को पहचानना भी पुलिस और उनके परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है और कई लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल के साथ ही देवली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इलाज जारी है, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या जानकारी मिल पाई कि हादसा आखिर हुआ कैसे? क्या ड्रंक था या अनियंत्रित थी इसका वाहन? ये बिल्कुल अनियंत्रित वाहन था, लापरवाही पूर्वक चलाया जा रहा था। टोल के बाद निकलने के साथ ही उसने पहले कुछ दुपहिया वाहन चालकों को, फोर व्हीलर चालकों को जो है अपनी चपेट में लिया और उसके बाद वह इस बारात को रोंदता हुआ आगे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पब्लिक ने उसे पकड़ा, उसकी धुनाई की, पुलिस के हवाले कर दिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जी धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं।